काशी मठ जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले के एक शहर और एक नगर पालिका बोर्ड है और यह 6,150 फीट यानी 1875 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये कई हिमालय पर्वत चढ़ाई अभियानों में ट्रेनिंग ट्रेलर और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ केंद्रों का प्रवेश द्वार है। ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार प्रमुख पीठों में से एक का घर है। 7 फरवरी 2021 से ये क्षेत्र 2021 उत्तराखंड बाढ़ में बुरी तरह प्रभावित था और उसके बाद इसकी भौगोलिक स्थिति के चलते रिज के साथ होने वाले कारण शहर में डूबने की पुष्टि हुई और वहीं चलते शहर के आसपास की रचनाओं में दरारें आ गई और शहर के लोगों को वहां से हटाना पड़ा। ज्योतिष मठ हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। 7वीं ईसा पूर्व से 11वीं ईसा पूर्व से बीच कत्यूरी राज्यों के कुमाऊं में कत्यूर आधुनिक दिन बैजनाथ घाटी में अपनी राजधानी से अलग थलग हद तक शासन किया। कत्यूरी वंश की स्थापना वासुदेव कत्यूरी ने की थी। जोशी मठ के प्राचीन वासुदेव मंदिर का श्रेय वासुदेव को दिया जाता है। वासुदेव बौद्ध मूल के थे लेकिन बाद में ब्रह्मवादी प्रार्थनाओं का पालन किया और आमतौर पर कत्यूरी राजाओं की ब्रह्मवादी प्रार्थनाओं को कभी कभी आदि शंकराचार्य 788 ईसा पूर्व से 820 ईसा पूर्व के एक जोरदार अभियान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। बता दें कि कत्यूरी राजाओं को 11वीं सदी ईसा पूर्व में पवार वंश द्वारा विस्थापित किया गया था। ज्योतिर्मठ उत्तर मानाए मठ या उत्तरी मठ है और जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार प्रमुख स्थानों में से एक है और अन्य श्रीगिरी, पुरी, द्वारका और काची में है और उनके सिर का शिष्य शंकराचार्य हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई परंपरा के अनुसार ये मठ अर्थवेद का प्रभारी है। ये स्थान गुरु गोविंद घाट या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान या जाने वाले यात्रियों के लिए बेस स्टेशन हो सकता है। मंदिर नरसिम्हा बद्री नारायण के साथ साथ देवताओं के एक साथ पंथ के रूप में प्रस्थित है और यह भी कि माना जाता है कि पीठासीन देवता भगवान नरसिंह की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। ये दिव्य देशम में से एक है। विष्णु के 108 मंदिरों को 12 तलीम कवि संतों या अलवायु के द्वारा सम्मानित किया जाता है और भगवान और देवी को परिमावली समस्ता परम पुरुष प्रेम मूल के रूप में जाना जाता है। तो आज हम जान गए कि ज्योतिष मठ ईसा पूर्व से आज तक हमें इनको क्यों श्रेय देना चाहिए और ऐसे निर्माण रोकने चाहिए जो मंदिर के आसपास को मंदिर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सरकार को भी समझना चाहिए कि ये ईसा पूर्व से ज्योतिष मठ को हमें संभाल कर रखना चाहिए और सरकार की आंखें और खोलने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि इस निर्माण को और रोका जा सके। और जय हिंद, जय भारत।